नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक में बुधवार को तीसरे दिन भी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 3 दिनों की हड़ताल के चलते जिले के 87 शाखाओं में लगभग 1 अरब का लेन देन प्रभावित हुआ। हड़ताल के अंतिम दिन बैंक कर्मियों ने चौक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जुलूस निकालकर मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी ने कहा कि वाणिज्य बैंकों के समान पेंशन, बीएफ प्रमोशन पॉलिसी आदि लागू होने तक आंदोलन का सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष यूपी ग्रामीण बैंक अफसर से सुशील। आज आप लोग निकाले हुए पद यात्रा, क्या मामला है इसका? देश के लगभग 80,000 ग्रामीण बैंक कर्मी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। हमारी मांगों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन, पीएफ, सेवा स्तर, प्रमोशन पॉलिसी, ये सारी मांगों के लिए ग्रामीण बैंक कर्मचारी विगत कई वर्षों से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनके मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी जल्द ही 20 मार्च को जंतर मंतर में नई दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर 21 मार्च को सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिस कारण सारे ग्रामीण बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। और अगर सरकार ग्रामीण बैंक कर्मियों के मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए। अभी हड़ताल 3 दिन का था, हाँ 3 दिन का था, आज हड़ताल का समापन है। आज यहाँ जनपद मुख्यालय पर हम लोग अपने क्षेत्रीय कार्यालय चौक से प्रदर्शन करते हुए यहाँ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को सौंपेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केआरबी जी, आज आप लोग ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों निकाली जा रही है? हिंदुस्तान में आज 56 RRB में 3 दिन से हम लोगों की स्ट्राइक चल रही है। हमारी 7 सूत्री मांग है, पेंशन को लेकर के, प्रमोशन, जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया, पेंशन की स्थिति हमारे यहाँ बहुत ही बिकट है। जो लोग यहाँ वेतन 70,000-80,000 पाते थे, रिटायर होने के बाद वो मात्र 1,800 से 2,000 के बीच में पेंशन पा रहे हैं। हमारे यहाँ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भारत सरकार बहुत 2 साल से कह रही है कि हम कर रहे हैं, पाइपलाइन में है, लेकिन आज तक उन्होंने इसे नहीं दिया। अभी 21 तारीख को फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो वार्ता हुई, उन्होंने फिर पूरा आश्वासन दिया और पूरा आश्वासन पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम ये 3 दिन की स्ट्राइक करेंगे, और ये मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से सौरभ उपाध्याय की रिपोर्ट।